तो जैसे आपको पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, फिर हर पे चार्ज और वी की वैल्यू भी निकालनी है। मुझे बस ये बताओ कि ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड हैं, इन सीरीज दिख रहे हैं सीरीज। तो मैं ऐसा करूं, यहाँ पर 100 पिको फैरेड का कैपेसिटर लेता हूँ और यहाँ पे दो की जगह एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, तो 200 और 200 सीरीज में विल गिव 100 पिको फैरेड, और लास्ट में एक और कैपेसिटर है 100 पिको फैरेड का कैपेसिटर है कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ 300 वोल्ट। ये लो, ये ले लिया। तो ये डायग्राम बन गया इसका। फिर 100 और 100 किस में कनेक्टेड है, इन पैरल। जल्दबाजी नहीं करने की, ये सीरीज में कर लो। देखो आप इसको छोड़ दो, बैटरी के साथ वाला कैपेसिटर हमेशा एंड में करना चाहिए, मैंने आपको बताया था, इसको मत छेड़ो। पर ये तो बिल्कुल श्योर हो कि ये किस में कनेक्टेड है, पैरल। तो 100 100 क्या देगा आपको, 200, और जो आंसर आएगा वो 100 के साथ इन सीरीज सीरीज में हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 200 पिको फैरेड का कैपेसिटर एक है कनेक्टेड विद 100 पिको फैरेड का कैपेसिटर है एंड 300 वोल्ट की बैटरी है। क्या ये इक्विवेलेंट डायग्राम क्लियर है? तो इन दो की जगह 100 100 मैंने 200 लगा दिया, 200 और 100 किसमें, सीरीज में लगा दिया, और ये डायग्राम बन गया। अब 200 और 100 किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो बोलो क्या आंसर आएगा, कितना? नहीं, 100 into 200 डिवाइडेड बाय 100 + 200 इज 300। तो यहाँ से आंसर आएगा 200 / 3। तो 200 / 3 pF कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ 300 वोल्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अब ये कैपेसिटर पे बोलो चार्ज क्या होगा। 200 / 3 pF का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -12 -12 × V का मतलब 300। तो ये 100 से कट गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है यहां तक? तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई कैपेसिटर के पास, कोई डाउट इसमें? तो यहां पे टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये कैपेसिटर इन दो का बना हुआ है इन सीरीज, तो चार्ज की वैल्यू इन दोनों के ऊपर क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। कोई डाउट इसमें? तो चार्ज सेम कर दिया। अब ये कैपेसिटर 100 वाला तो ये रहा, इसका चार्ज तो आ ही गया, ये लो एक आंसर तो आ गया मेरे पास, ये रहा, ठीक हो गया। अब मेरे को इनका चार्ज भी निकालना है। अब ये कैपेसिटर दोनों किसके बने हुए हैं, इन पैरेलल। तो यानी कि ये कैपेसिटर से ये बना हुआ है 100 100 पैरेलल में, तो वी की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो इसमें वी क्या होगा, देखो जरा, वी क्या होगा, क्यू क्यू का मतलब 2 × 10⁻⁸ अपॉन 200 × 10⁻⁶। कितना आ रहा है, 200, 100 100 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट। ठीक हो गया यहां तक? तो ये 100 है, तो क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों का बना हुआ है, तो ये कितना है, 100 वोल्ट 100 वोल्ट। अगर ये 100 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट है, तो ये 200 वोल्ट है, क्योंकि तो टोटल 300 है। तो इसका मतलब ये कितने वोल्ट पे है, ये 200 वोल्ट पे है, ये 100 वोल्ट पे है, ये 100 वोल्ट पे है। अब मेरे को ये पता है कि ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन दोनों का, कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर ये 100 वोल्ट है, तो यहां पर कितने वोल्ट आएगा, 50 वोल्ट एंड 50 वोल्ट, और चार्ज की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो जो चार्ज इस पे है, वही चार्ज इस पे आएगा। इस पे कितना चार्ज है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, इस पे कितना चार्ज है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है सबको, तो कैसे इक्विवेलेंट डायग्राम बना के फिर उल्टे डायग्राम से मैं चार्जेस को निकालता जा रहा हूँ? कोई डाउट है इसमें?